हे गाइस, वेलकम टू माय फोटेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी हमारा टाइम है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट के हो चुके हैं, आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये है आपका शुक्र। ठीक है, अब देखो दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। देखो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी का आप जानते हो कितना नेचुरल सैटेलाइट है, यह है एक, और वो है मून। ठीक है, तो पृथ्वी से पहले जो भी ग्रह है उसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो पृथ्वी से पहले दो ग्रह, एक है आपका मरकरी और दूसरा है विनस, यानी बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ आपके ऑप्शन में बुध है, सॉरी शुक्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा टाइप वनस्पतियाँ पाई जाती है। टुंड्रा टाइप कहाँ पाई जाती है, ये बहुत अधिक जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे टुंड्रा टाइप वनस्पतियाँ होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्रों में टुंड्रा टाइप वनस्पति मिल सकता है आपको। चिनुक है, चिनुक क्या है, तो चिनुक क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, लिस्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था वहाँ मैंने बताया हुआ है कि चिनुक क्या है, ये एक हवा है यानी पवन है। तो उत्तरी अमेरिका में एक प्रकार की पवन, ठीक है, चिनुक हवा कैसी है, ये उत्तरी अमेरिका में बहने वाली एक पवन है। अगर देखो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका से ज़्यादा भी आपको पूछा जा सकता है, देखो ये पर्वत से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में जानते हो आप, रॉकीज पर्वत है। ठीक है, तो चिनुक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो कैसी हवा है, ये गर्म हवा है जो कहाँ से चलती है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों से ये बहती हुई है। ठीक है, और बहती हुई कहाँ चली जाती है, ये दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से होकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होता है। उत्तर में ये कहाँ तक बहती है, ब्रिटिश कोलंबिया तक। तो इसका ये एक्सपेंशन है, ये आपको रॉकीज पर्वत याद रखना है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों से ये बहती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कोरोना। ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं परिमंडल, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के टाइम में ही आपको दिखता है। ऐसे देखो सूर्य को हम लोग दो तीन भागों में बांट देते हैं, मेनली जो इसको बांटा जाता है, कहीं आपको देखो चार मिल जाएगा, कहीं पाँच मिल जाएगा, कहीं छः, कहीं सात, लेकिन मेन जो इसका लेयर्स है, जो सन का लेयर्स है, वो टोटल छः लेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे इनर भाग जो पढ़ते हैं वो है आपका कोर। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको पिक्चर में दिखा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रह जाए, और इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी भी कोई लेयर का ऑर्डर पूछा जा सकता है कि कोरोना से जस्ट नीचे कौन सा होता है, तो आप लेयर का नाम बस याद रखना। ठीक है, देखो ये अगर सन है तो यहाँ पे आपको सबसे अंदर में ये कौन सा दिख रहा है, लाल वाला, ये है कोर। ठीक है, जो सबसे इनर पार्ट है। इसके बाद देखो ये तीन ऐसे लेयर हैं जिनको हम लोग इनर लेयर बोलते हैं, एक आपका कन्वेंशन जोन हो गया, रेडिएशन जोन और कोर। ठीक है, ये तीन लेयर जो है इसको इनर लेयर बोलते हैं, और रेस्ट तीन लेयर है इसको हम लोग ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं या आउटर जोन बोलते हैं। ठीक है, या आउटर रीजन। इसमें आपका आता है कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। सबसे पहले आता है कोरोना, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, उसके बाद फोटोस्फेयर। ये तीन लेयर बाहर में है और तीन लेयर अंदर में है, टोटल हो गया छः। ठीक है, कोर जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रोड, उसके बाद रेडिएशन जोन जिसका हिंदी हो गया विकिरण मेखला। आप इसको लिख लेना अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो, सबसे इनर हो गया कोर, उसके बाद रेडिएशन जोन या इसको बोलते हैं विकिरण मेखला, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन जोन को संवहन मेखला, इसके बाद फोटोस्फेयर जिसको बोलते हैं आभामंडल, और इसको इसके बाद है क्रोमोस्फेयर जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर को वर्णमंडल। ठीक है, और इसके बाद है आपका कोरोना, कोरोना को क्या बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं किरीट, क्या बोलते हैं, किरीट या प्रभा मंडल। ठीक है, और अभी आप या परिमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, किरीट परिमंडल या प्रभा मंडल, तो ये सब आप नोट डाउन कर लो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे जस्ट पूछा जाएगा कोरोना से जस्ट नीचे कौन होता है, तो ये होता है क्रोमोस्फेयर। ठीक है, जो साइनी सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोटोस्फेयर। ठीक है, तो ये नोट डाउन आप कर लो, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा सबसे उच्चता पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा जो आता है वह सबसे उच्च कब हो सकता है, यानी हाई टाइड आपका कब आता है। ठीक है, तो हाई टाइड कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो। देखो यहाँ से दो कंडीशन आपको याद रखना है, एक 90 डिग्री पे हो और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक है, जब आपका टेस्टरी चल रहा था मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि अगर 90 डिग्री पे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी अगर हो
तो इस वक्त जो आएगा वो आएगा निम्न ज्वार, ठीक है। लेकिन अगर दीर्घ ज्वार आना है यानी उच्च ज्वार जब जब भी आएगा तो ये तीनों एक सीधी रेखा में रहेगा तभी आएगा, ठीक है। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होगा 180 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब देखो अभी अगर आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में कन्फ्यूजन है तो एक ही कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण का मतलब होता है कि उस पर रोशनी ना आना, ठीक है। सिंपल सा एक अगर केस मानो तो ग्रहण का मतलब वही होता है। तो चंद्र ग्रहण मैंने बोला कि चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ये देखो ये है सूर्य, ठीक है, सूर्य। अब सूर्य तो अपना जगह चेंज करेगा नहीं, ये तो यहाँ पे हमेशा फिक्स रहेगा। अब है आपका पृथ्वी और मून, ठीक है। अगर मून बीच में आ जाता है तो देखो यहाँ पे पृथ्वी पे रोशनी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर पृथ्वी पे रोशनी नहीं पड़ रहा आप जान दो पृथ्वी ग्रहण होता नहीं है, तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। लेकिन अगर ये है आपका अर्थ और ये है मून, तो भी यहाँ पे देखो मून पे रोशनी नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला कि ग्रहण के वक्त हमेशा उस पर रोशनी नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर रोशनी नहीं पड़ रहा है यानी ये आपको पोर्शन दिखेगा नहीं, ये पोर्शन दिखेगा नहीं, इसका मतलब ये ग्रहण हो गया, ठीक है। तो अगर पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाए तो आपका क्या होगा, ये होगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। और अगर चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य के निकटतम हो तो क्या कहते हैं उसको। क्या बोला जा रहा है, कोई भी अपने पाथ पे है, कोई भी प्लैनेट ले लो वो अपने पाथ पे है, तो जब सूर्य से निकटतम दूरी पर वह है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिहेलियन। क्या कहते हैं, पेरिहेलियन। और अगर दीर्घतम दूरी आपसे पूछता है, यहाँ पे है सूर्य, ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, जब यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं एपिहेलियन, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। ये पृथ्वी का, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं या किसी अन्य प्लैनेट के रेस्पेक्ट में भी बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आप कहाँ पर सर्वाधिक टोर्नेडो देखने की अपेक्षा करते हैं। टोर्नेडो सबसे अधिक जो भी एग्जांपल में दिए हुए हैं उसमें से, सॉरी जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं इनमें से किस जगह पर आप मैक्सिमम टोर्नेडो देख सकते हो। टोर्नेडो आपको पता है कहाँ आता है, ये चक्रवाती तूफान है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये मैं आपको मैंने बताया हुआ है कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये ऑलमोस्ट 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से किसे सांद तारा कहते हैं। सांद तारा या सांझ का तारा और भोर का तारा, ये दो नाम है, ये किसको कहा जाता है, आप सबको पता है ये कहा जाता है वीनस या शुक्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम कहाँ होता है, ये होता है एक्सोस्फीयर में। अब देखो जब एटमॉस्फेयर का बात करो तो आपको पता है कि पृथ्वी के जितने पास आओगे उतना अधिक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, जितना दूर जाओगे तो उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। या आपको एटमॉस्फेरिक लेयर में पूछा जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक लेयर में जो सबसे बाह्यतम लेयर होगा यानी सबसे बाहरी लेयर होगा उसमें सबसे कम गुरुत्व खिंचाव होगा, तो वो है आपका एक्सोस्फेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व होती है। ये आपके हलवा क्वेश्चन बन गया है अब आपके लिए, आप जानते हो कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तत्व जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको नॉर्मली एलिमेंट लेना है, तो सबसे अधिक पाया जाता है O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन कितना रहता है, ये रहता है 46%, तो आप देख रहे हो आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है सिलिकन का, सिलिकन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये सिलिकन ऑलमोस्ट 27% है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलिका जो ऑलमोस्ट 27% है। अगर ऑक्सीजन रहता तो आंसर होता ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रवालों द्वारा निर्स्रावित डैश से प्रवाल सेल बनते हैं। प्रवाल यानी कोरल, आप जानते हो कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, ठीक है। कोरल रीफ्स का निर्माण कैसे होता है, देखो कोरल्स जो होते हैं वो स्रावित करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या स्रावित करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है आपका, ये प्रवाल सेल या कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति, जो भी बोलना है आपको वो बोलो, ठीक है। इसका निर्माण इसी से होता है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंप के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर डैश महासागर या समुद्र में स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर या पेटी, ये जो है इसी को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। और मैक्सिमम आपका भूकंप और वोल्केनो ये दोनों जो आते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ के वृक्ष, देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि दो तीन नाम है जिसको आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चीड़ है, फर है, स्प्रूस है। ठीक है, इन दो तीन नामों को आप हमेशा दिमाग में रखो कि ये सब जो हैं, ये सब हैं शंकुधारी वनों के, यानी ठंडे प्रदेश में होने वाले। तो आपका क्या हो जाएगा, चीड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। अगला क्वेश्चन है कि डैश के कटाव के कारण पॉट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश के कटाव के कारण पॉट होल, पॉट होल इसको हिंदी में बोलते हैं जलज गतिका। क्या बोलते हैं? जलज गतिका। तो किस क्रिया के कारण पॉट होल दृष्टिगोचर होता है? तो किस कटाव के कारण होता है ये होता है नदी में कटाव के कारण। देखो, नदी की तलहटी में जब कोई कोमल चट्टान आती है तो उसका अपरदन हो जाता है। ठीक है, और अपरदन यानी एरोजन हो जाता है, और वहां पर वह छोटा सा गड्ढा बन जाता है। जहां पे उस चट्टान का अपरदन हुआ तो गड्ढा बन जाता है, तो नदी का जल उस गड्ढे में भंवर के रूप में घूमने लगता है। इस प्रकार गर्त गहरा और चौड़ा हो जाता है। नदी की तलहटी पर जल द्वारा बने इस गर्त को जलज गतिका कहा जाता है या पॉटहोल कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये जो गड्ढा बना इसमें जल घूमने लगता है इस तरह से। ठीक है, अब जब ये मोशन करता है तो ये एक तरह से ड्रिलर का काम करता है और ड्रिल करते हुए जाता है। ठीक है, जिसके कारण से ये और गड्ढा हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पॉटहोल। तो ये आपको नदी में देखने को मिल सकता है, नदी में कटाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? ये किस नहीं, ये किसे है। ठीक है, किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह आप जानते हो पृथ्वी पर 71% ऑलमोस्ट वाटर है, जिसके कारण से ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसी कारण से इसको कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार पर्वत का एक उदाहरण है? परतदार पर्वत का उदाहरण है, तो परतदार पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ये है यूराल पर्वत। अब देखो यहाँ पे परतदार पर्वत दिया हुआ है। अब आपने कभी शायद परतदार पढ़ा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आपको रिलेट करना है। परतदार क्या हो सकता है? आपने ब्लॉक पर्वत पढ़ा है, आपने फोल्ड पर्वत पढ़ा है, आपने एक्युमुलेटेड पर्वत पढ़ा है, और रेसिडुअल पर्वत पढ़ा है। ये मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें से देखो परतदार क्या होता है, परत मतलब क्या होता है, इस तरह से फोल्ड। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको बस अगर वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आपको उससे रिलेशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन कौन सा है? देखो, सतपुड़ा, नीलगिरी, सॉल्ट पर्वत और यूराल। आप जानते हो मैंने आपको चार पांच नाम बताया हुआ है, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, ठीक है, रॉकीज, ये सब जो बड़े बड़े पर्वत का नाम आप जानते हो, ये सब कैसा है? ये सब फोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा यूराल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? जलधारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो गर्म जलधारा इनमें से कौन सा है? देखो, लेब्राडोर, बेंगुएला, हम्बोल्ट। अब लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है, बेंगुएला भी ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा कौन सा है? क्यूरोसिवो। अब क्यूरोसिवो कहाँ की गर्म जलधारा है? यह गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। ठीक है, प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है क्यूरोसिवो। और ये लेब्राडोर कहाँ की जलधारा है? यह अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। वेंगुएला भी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट, इसको हम्बोल्ट या पेरुवियन बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर हुआ? अब ये जो क्यूरोसिवो है इसका एक खासियत भी है, ये जापान में इसको काली धारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काली धारा के नाम से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको याद रखना कि किस धारा को जापान में काली धारा के नाम से जाना जाता है, ये है क्यूरोसिवो। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो एक डैश है, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक जलधारा है, एक गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है। और ये कहां बहती है ये जलधारा? तो एल नीनो ये प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, अब देखो इसको क्रिसमस धारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान अधिक बहती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, इसीलिए इस धारा को
क्रिसमस धारा के नाम से जानते हैं। अच्छा एक्चुअली मैं क्रिसमस के दौरान इसलिए मैंने बोला क्योंकि क्रिसमस के टाइम में ही ये उत्पन्न होती है, ठीक है, क्रिसमस के टाइम में उत्पन्न हुई, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, क्रिसमस की जलधारा। अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात किस कारण से बनते हैं, दिन और रात किस कारण से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आपको आता होगा, दिन और रात किस कारण से होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है यानी रोटेट करती है, रोटेशन के कारण दिन और रात, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, रिवॉल्यूशन के कारण होता है आपके सीजन में जो चेंज आते हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, किसको कहा जाता है, मंगल को। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि मंगल को ही लाल ग्रह क्यों कहते हैं, अच्छा क्या कारण क्या हो सकता है, तो कारण होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है मंगल ग्रह पे, जिसके कारण से हुआ हमें अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और एक और क्वेश्चन मंगल ग्रह से आपसे बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, सौर मंडल का मैं बात कर रहा हूं, मैं पृथ्वी का बात नहीं कर रहा हूं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसका नाम है ऑल्पस मेसी, क्या है, ऑल्पस मेसी, ये नाम आपको आना चाहिए, ऑल्पस मेसी, ऑल्पस मेसी ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है मंगल ग्रह पे। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि सबसे बड़ा पर्वत जो है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत उसका नाम क्या है, उसका है निक्स ओलंपिया, क्या नाम है, निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया। तो ये निक्स ओलंपिया कहां है, ये भी मंगल ग्रह पर ही है। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे है, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पे है, और जो निक्स ओलंपिया है यह माउंट एवरेस्ट से ऑलमोस्ट 3 गुना ऊंचा है, ठीक है, इसलिए तो ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो मंगल ग्रह से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ये क्वेश्चन तो अब हलवा क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज की ऊंचाई क्या होती है, ये ट्रोपोपॉज आपको तो प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक लेयर के बाद एक बाउंड्री होता है, उसके बस उसके नीचे वाले लेयर के साथ आप उसमें पॉज जोड़ दो, वो बाउंड्री हो जाएगा। आपको अगर पूछा जाए स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। इसी तरह से मेसोपॉज, फिर आइनोपॉज, ठीक है, ये पॉज बस आपको जोड़ना है। तो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी है, अब ये क्वेश्चन देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या आंसर मारें, पर अब मैंने जो बताया हुआ बस आपको उससे रिलेशन निकालना है। ये मैंने बताया था 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर हो सकता है, अब इसके बीच में कभी 16 मिलेगा आपको, कहीं 17 मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा, ठीक है, कहीं 8 के बदले में 9 मिलेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसके आसपास का होना चाहिए, बस एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोपॉज की ऊंचाई ये हो जाएगा 17 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला डैश सेल का एक उदाहरण है, कोयला किस तरह का चट्टान है, कोयला किस तरह का चट्टान है, यह एक अपसादी चट्टान है यानी सेडिमेंट्री रॉक है, आप जानते हो, ठीक है, और किस चीज से बना होता है, ये पौधों के मलबे से जो दब जाते हैं, मैंने बताया हुआ था कि जब बहुत टाइम तक अंदर में रहने के बाद इसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह एक स्पेसिफिक कंडीशन मिलते हैं तो ये फिर कोयला का रूप ले लेती है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।